जैसे यहाँ पर आईफोन एलेवन का मदरबोर्ड ओपन करते हैं तो सबसे पहले तो जे सी आपको एक साथ में डुअल डिस्प्ले ओपन कर रहा है पैलर पैलर डिस्प्ले आबीव वाले डिस्प्ले को आप साइड कर सकते हैं हटा भी सकते हैं सबसे पहली बात तो आपको आईफोन की डिटेलिंग आपको देखने को मिल रही है अब आप सोच रहे हैं सर ये तो चाइनीज है अभी ये क्या ही हमें समझ में आएगा हाँ ये बात तो है आप इसको कॉपी कट कर करके आप अपने मोबाइल के ट्रांसलेटर इमेज से आप इसको चेक कर सकते हैं पढ़ सकते हैं वैसे बेसिकली यहाँ पर यहाँ जैसी आईडी को थोड़ा सा इंग्लिश में वर्क करना जरूरी था अब इसके साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसके इसकेमेटिक ओपन हुआ है जिसके पीछे जेसीआईडी आई का लोगो है अब जैसे मान लीजिए आप सी पर काम कर रहे हैं और आपसे ये रजिस्टर निकल गया अब ये रजिस्टर किस लाइन पे लगा हुआ है तो आप जैसी जब इसको टच करते हैं तो साथ में पहले वे में चलता है जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो रजिस्टर है एस पी आई एस पी टू कैमरा मतलब एसपीएम आई प्रोटोकॉल में लगा हुआ है जो कि क्लॉक की सप्लाई में है अभी ये रजिस्टर काम निकल गया तो आपका कैमरा चलना बंद हो जाएगा क्योंकि से, से पूरे बंद हो जाएंगे ना तो जब तक आप और ये रजिस्टर बेसिकली देखें तो थर्टी थ्री पॉइंट टू होम्स का है तो आप इसको हटा के जम्पर भी लगा सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है एम एफ का मतलब मेटल फील्ड होता है रूम का मतलब एसओसी मतलब कहाँ लगा हुआ है एक परसन इसका टोलेंस होता है और वन वाय थर्टी टू वाट मतलब इसका पावर कंसेप्शन है और जीरो वन डबल जीरो फाइव इसकी क्या है आप कमेंट करके बताओ ठीक है <laughs> थोड़ा बहुत तो आपके लिए छोड़ रहा है देखो दोस्तों दुनिया ऐसी नहीं है जैसी हमें लगती है आप जिसको भी जितना दोगे ना तो जो गलत है वो गलत ही करेगा आपके साथ भाला आप उसको कितना भी सर पे ताज पहना दो ना बट प्रॉब्लम ये है कि आज के डेट में अच्छा सीखना या अच्छा करना मेन नहीं है आपको सही लोगों की पहचान सबसे इंपॉर्टेंट है ऊपर वाले ने अगर इसका ज्ञान दे दिया ना तो आप खेल गए आप बॉस हो और महादेव ने इतना ज्ञान तो मुझे दिया है सही पहचान